किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज बात करते हैं लास्ट स्प्रे की, जो बाली निकलने की अवस्था में लगाया जाता है। तो किसान भाइयों को ये चिंता बनी रहती है कि हमारी बालियाँ लंबी आएँ, दाना मोटा हो व चमकदार हो, दानों की मात्रा अधिक हो और बालियाँ हमारी खाली नहीं रहे। तो किसान भाइयों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ऑल पर सेलेक्ट करो, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं धान में बालियां निकलते समय क्या सावधानी रखें। अगर बालियां लंबी या ज़्यादा दाना चमकदार नहीं होगा तो मार्केट में भाव अच्छा नहीं मिलेगा। जब किसान भाई आपके खेत में 10-15% बालियाँ निकलने लगे तो किसान भाइयों आपको एक स्प्रे करना है और आपकी फसल एकदम बालियाँ मोटी आएंगी, चमकदार आएंगी और किसान भाइयों आपकी फसल की पैदावार ज़्यादा होगी। तो किसान भाइयों बात करते हैं दवाई की। तो किसान भाइयों एक दवाई आती है पोपिकोना जोल, इसका इस्तेमाल आपको 250 से 300 ml एकड़ करना है। और किसान भाइयों आपको इसके साथ पोटास जो आती है 0050 1 kg या लिक्विड वाली अगर आपके यहाँ मिल जाए तो 500 ml और इसमें आप बोरान 100 ग्राम मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों पोटास का जो कार्य है वो तने को मजबूत और दाने को वजनदार करता है, जिससे कि पैदावार किसान की ज़्यादा होती है और जब किसान की पैदावार ज़्यादा होगी तो किसान की आय ज़्यादा होगी। तो किसान भाइयों जो बोरान का काम है वो परागण की जो प्रक्रिया होती है बालियां में फूल बनते समय, तो किसान भाइयों उसे ये तेज़ कर देती है, जिससे कि दाने फटते नहीं हैं और किसान भाइयों दाने की मात्रा बालियों में ज़्यादा होती है, जिससे कि पैदावार ज़्यादा होती है, दाने ठोस होते हैं। और किसान भाइयों ये जो तीनों मैंने आपको ये बताए हैं इनका आपको एक स्प्रे करना है, तीनों को मिलाना है और 200 से 250 लीटर पानी में आपको इनकी मात्रा पानी की मात्रा लेकर मिलानी है और किसान भाइयों लास्ट में आपको स्प्रे कर देना। जब आपकी बालियां 15-20% निकल आएँ तब आपको इसका स्प्रे करना है। आप इस स्प्रे का आप चमत्कार देखोगे कि हमारा लास्ट में पैदावार डबल होगी। जब पैदावार किसान भाइयों आपकी डबल होगी तो आय भी आपकी डबल ही होगी। तो किसान भाइयों ज़्यादा लंबी नहीं करते ये वीडियो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।